सुबह का समय था। बलदेव अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहा था। नहा धोकर उसने चाय और बिस्कुट खाई और एक न्यूज़पेपर में उसने रोटी और आचार लपेटकर अपने साइकिल पर वो निकल पड़ा। रोज की तरह आज भी वो अपने चाइना मोबाइल पर गाने सुनते हुए जा रहा था। तेरे दर पर सनम हम चले आए, बेसिकली इट वॉज जस्ट अनदर डे फॉर बलदेव बट नॉट फॉर ठेकेदार। बलदेव अभी साइट पर पहुंच चुका है लेकिन ठेकेदार ने अभी अभी अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया है। आज उसने ग्रिल्ड सैंडविचेस विद एक्स्ट्रा चीज खाया है। उसने अपना टिफिन उठाया और अपने स्कॉर्पियो में निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद ठेकेदार साइट पर पहुंच जाता है। वो देखता है कि बलदेव और उसके बाकी सारे साथी वहाँ पहुंच चुके हैं। ठेकेदार ने बलदेव और बाकी सारे मजदूरों को अपने अपने काम बांट दिए और ठेकेदार निकल पड़ा कॉन्टेंट क्रिएशन करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ठेकेदार सिर्फ ठेकेदार नहीं था, वो एक कॉन्टेंट क्रिएटर भी बनना चाहता था। वो रोज अपने मजदूरों के वीडियो शूट करता और अपने इंस्टाग्राम पेज पर डालता। क्या है यहाँ पर अभी जो 15 इंच करीब अपन लेंगे ना, तो 15 इंच यहाँ से 15 इंच यहाँ से मिला के वैसे अच्छा बड़ा स्टेप बन जाएगा वो। हर कोई सोचता था कि ही इज डूइंग इट फॉर द पोर्टफोलियो, बट ऐसा नहीं था, ही वाज रियली पैशनेट अबाउट इट। तो ठेकेदार ने अपना फोन निकाला और हर एक चीज रिकॉर्ड करने लग गया। ईंट का फेस देख लेना, बिल्कुल क्लियर फेस रहेगा इसका। और यहाँ पर एक बीम बना देंगे तो पहला स्टेप। सब कुछ सही चल रहा था और तभी कुछ ऐसा होता है जिसे इतिहास के पन्नों पे स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। वहीं दूर से सब्बल चलाओ बलदेव, खूब आराम से। चलो चलो, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हुआ, कोई टेंशन नहीं। बलदेव को यमदेव के दर्शन होते होते रह गए। धीरे धीरे शाम होती है, सबका काम हो चुका है, ठेकेदार ने सबको मजदूरी दी है और हर कोई अपने अपने घर चला गया है। हमेशा की तरह घर जाके ठेकेदार आज अपने इंस्टाग्राम पेज पर आज के वीडियोस डाल देता है, इंक्लूडिंग द बलदेव वन। अगले दिन यानी कि रविवार की सुबह ठेकेदार ने अपनी आँख खुलते ही सबसे पहले इंस्टाग्राम चेक किया। ठेकेदार जैसे अपना इंस्टाग्राम खोलता है तो उसे दिखता है कि जो वीडियोस उसने कल डाली थी उसमें से जो बलदेव का वीडियो था वो वायरल जा चुका है। उस वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट्स फॉलोअर्स की बरसात हो रही है, लोग बलदेव के दीवाने हो रहे हैं, मीम पेजेस पर बलदेव की चर्चा होने लगी है। और जी नहीं, हमें इसे ओवरनाइट सक्सेस तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये बहुत सालों की मेहनत थी ठेकेदार की। आखिरकार ठेकेदार को अपने कॉन्टेंट क्रिएशन की इस यात्रा में एक आशा की किरण मिल चुकी थी। ठेकेदार खुशी के मारे पागल हो जाता है और ठेकेदार ये पागलपन बलदेव के साथ भी बांटना चाहता था। उसने तुरंत बलदेव को फोन किया, बलदेव ने फोन उठाया और ठेकेदार ने बलदेव से कहा, यू नो द केमिस्ट्री एंड आई नो द बिजनेस, आई वॉज थिंकिंग मे बी यू एंड आई शुड पार्टनर अप। इस प्रश्न पर बलदेव ने उत्तर दिया, हैंजी। ठेकेदार को बलदेव से हैंजी ही अपेक्षित था। अगले दिन यानी कि सोमवार को हमेशा की तरह बलदेव अपनी मजदूरी के लिए निकल जाता है। कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर वो क्या देखता है, वो देखता है कि ठेकेदार तो पहले पहुंच चुका है। दरअसल बात यह है कि ठेकेदार उस रात सोया ही नहीं, उसे नींद ही नहीं आई, उसके सपने उसे सोने नहीं दे रहे थे। ठेकेदार आज अपने कॉन्टेंट क्रिएशन को लेकर काफी उत्साहित था। उसने सबको अपने अपने काम बांट दिए और वो निकल पड़ा कॉन्टेंट क्रिएशन करने के लिए। लेकिन आज उसका झुकाव बलदेव की तरफ थोड़ा ज्यादा था। सारे मजदूर छोड़कर आज वो बलदेव के पीछे था। पूरा अंदर अंदर तक ये पूरा मिला देना बलदेव अच्छे से, है ना, मतलब छपाई जब करें ना अपन, बिल्कुल एक सब पूरा एकदम क्लीन आ जाए। पूरा दिन उसने सिर्फ बलदेव की गतिविधियों का चित्रण किया और आज उसने वीडियो अपलोड करने के लिए शाम का इंतजार नहीं किया। उसने उसी क्षण वीडियो डाल दिए एंड गेस व्हाट, ये वीडियोस भी वायरल हो गए। ठेकेदार के खुशी का ठिकाना नहीं रहा, ठेकेदार पागल हो चुका था। आखिरकार ठेकेदार का जो सपना था कंटेंट क्रिएटर बनने का, वो उसे सच होते हुए दिख रहा था। अब ठेकेदार का ये रोज का काम बन चुका था। उसे ठेकेदारी में कम और कंटेंट क्रिएशन में ज्यादा इंटरेस्ट था, तो वो रोज मजदूरों को बुलाता था, वो बलदेव के पीछे उसका चित्रण करने में लग जाता था, दिन भर उसके वीडियो शूट करता था, अपने पेज पर डालता था और प्रसिद्धि पाता था। बलदेव उसके कंटेंट का केंद्र बिंदु बन गया। सुनो तो बलदेव को तो जरा सब बल देव, पब्लिक इंतजार है किसी अच्छे वीडियो का। धीरे धीरे ठेकेदार इंस्टाग्राम से बोर हो गया। उसने सोचा कि चलो थोड़ा यूट्यूब ट्राई किया जाए। ठेकेदार ने यूट्यूब पर एडवेंचर्स ऑफ बलदेव द डिस्ट्रॉयर नाम से एक यूट्यूब चैनल खोला। कुछ दिनों में चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइबर्स एकदम बढ़ रहे थे। बलदेव की प्रसिद्धि आसमान छू रही थी और इसका मतलब ये भी है कि इन वीडियोस के जरिए बहुत सारा पैसा भी छापा जा रहा था। लेकिन क्या ये पैसा बलदेव की जेब में जा रहा था? क्या बलदेव को पता भी था कि वो कितना प्रसिद्ध हो चुका है इंटरनेट पर? नहीं, बलदेव एक एवरेज चाइना मोबाइल एंजॉयर है। उसे इंटरनेट की इस महान मायाजाल से कोई मतलब नहीं है। उसे पता ही नहीं कि वो कितना प्रसिद्ध हो चुका है। इस तथ्य से वो बिल्कुल अनजान है। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि एक ही तरह का कंटेंट देखकर जनता ऊब गई। ठेकेदार द्वारा बनाए गए बलदेव के वीडियोस पर ऐसे कमेंट्स आने लग गए, भाई अभी कुछ नया करो यार, मेरे को कुछ नया देखना है,
मैं बोर हो चुका हूँ ये देख के, मेरे को कुछ नया देखना है। ठेकेदार ने भी सोचा कि हाँ यार बात तो सही है, मतलब ये कितने दिन चलेगा ये सब, है ना। वो एक रात सोचने लग गया कि मैं क्या नया कर सकता हूँ, और सोचते 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 उसके दिमाग में जो लालच था वो हजार गुना बढ़ गया। पहले ठेकेदार बलदेव का चित्रीकरण तभी करता था जब वो मजदूरी करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब ठेकेदार बलदेव के निजी क्षण भी रिकॉर्ड करने लग गया। बलदेव के निजी क्षण भी उसके निजी क्षण नहीं रहे। ठेकेदार छुप छुप कर बलदेव के निजी क्षणों का चित्रण करता और इंटरनेट पर डाल देता। एंड गेस व्हाट, इससे बलदेव की लोकप्रियता 10 गुना बढ़ गई। लेकिन क्या बलदेव को इसके बारे में पता था? बलदेव को अभी भी नहीं पता था कि किसी कोने में कोई कैमरा है जो मुझे रिकॉर्ड कर रहा है और मुझे कितने लोग देख रहे हैं। उसे बिल्कुल पता नहीं था, वो अनजान था इस बारे में। बट ठेकेदार वॉज मेकिंग गुड मनी। एक ऐसे ही रविवार के दिन बलदेव चिल कर रहा था। उसने टीवी शुरू किया और एक न्यूज चैनल चल रहा था, और वो क्या देखता है, वो न्यूज चैनल में खुद को देखता है। बलदेव न्यूज में आ चुका है। वो न्यूज एंकर बता रहा था कि ये बलदेव नाम का आदमी बहुत प्रसिद्ध हो चुका है, इसके वीडियोज बहुत वायरल जा रहे हैं, लोगों को इसके वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं। वो न्यूज एंकर वो हर चीज बता रहा था जो बलदेव को पता होना जरूरी थी। बलदेव ये सब देख के आश्चर्यचकित रह जाता है। बलदेव डर जाता है, उसको एंजाइटी होने लगती है, उसको एंगर इशू होता है, और बलदेव गुस्से में आकर अपना टीवी फोड़ देता है। बलदेव अपना चाइना मोबाइल उठाता है और ठेकेदार को फोन करता है। वो ठेकेदार से कहता है, ब्रो वी नीड टू टॉक। रात के समय ठेकेदार और बलदेव एक वीरान जगह पर मिलते हैं। ठेकेदार बलदेव से कहता है, हे ब्रो व्हाट्स अप। बलदेव कहता है, ब्रो यू थिंक आई डोंट नो व्हाट्स अप। ये सुनकर ठेकेदार को भनक लग जाती है कि बलदेव को भनक लग चुकी है। ठेकेदार कहता है, हे ब्रो चिल ब्रो, लाइक इट्स ऑल कूल मैन, लाइक रिमेंबर दैट डे आई कॉल्ड यू, दैट डे आई आस्क यू यू एंड आई कुड पार्टनर अप, देन यू लिटरली सेड हां जी। बलदेव को काफी अच्छे से पता था कि उसने हां जी नहीं हैं जी कहा था। ठेकेदार बलदेव की आंखों में वो ज्वाला साफ तरीके से देख पा रहा था। ठेकेदार देख पा रहा था कि बलदेव इज अनस्टॉपेबल नाउ। डर के मारे ठेकेदार बलदेव से कहता है, हे ब्रो लाइक चिल, लाइक वी कैन स्प्लिट द प्रॉफिट 50-50। इस पर बलदेव कहता है, ब्रो दिस इज अबाउट मनी, यू थिंक आई केयर अबाउट योर मनी, यू थिंक आई केयर अबाउट ऑल दैट फेम। ये सुनकर ठेकेदार कहता है, ओके देन फक ऑफ, गेट द फक आउट ऑफ हियर, द थिंग इज एट दिस मोमेंट I don't even need you. I have a massive audience and other boys like Prahlad and all. I don't really need you. So just get the fuck out of here. ये सुनकर बलदेव के मस्तिष्क में लावा फूट जाता है। बलदेव गुस्से के मारे पागल हो जाता है। अब दारू सर के ऊपर चढ़ चुकी है। बलदेव पीछे से अपना सब बल निकालता है और ठेकेदार की ऐसी जगह पर चला देता है जहां पर उसे शायद बहुत पहले ही चला देना चाहिए था। धरती पर पड़ा तिल मिलाता हुआ ठेकेदार बलदेव से पूछता है, मगर क्यों? इस पर बलदेव कहता है, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बलदेव दूर से इसमें एक बार टच करने की कोशिश करो जरा। हाँ ऐसे, हाँ मारो मारो और मारो हल्का सा, ये मारो बलदेव, ज्यादा करीब मत जाओ।